Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हेलो दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर और मेरी माता जी कोविड पॉजिटिव हैं और मैं यहाँ भभुआ में एकता चौराहा के पास सदर अस्पताल में मैंने उनको नोवल कोरोना वार्ड में एडमिट किया हुआ है और डॉक्टर्स का कहना है कि अगर किसी मेडिकल कॉलेज में या जमुहार मेडिकल कॉलेज कोई है सासाराम के पास, अगर वहाँ पे इनकी इनका ट्रीटमेंट होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं। तो मेरे पास तो बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि प्लीज़ हेल्प करिए। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, हेल्प करिए, हमारी माता जी की तबीयत खराब है। बिहार में काबा गाने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने शुक्रवार को ट्विटर पर रोते हुए मदद की गुहार लगाई तो एक के बाद एक कई हाथ उनके लिए दुआ करने को खड़े हो गए। कुमार विश्वास, मनोज वाजपेयी जैसे दिग्गज शख्सियतों ने उनकी मदद के लिए गुहार लगाई और इसका नतीजा तुरंत सामने आ गया। राजद के मुख्य चेहरा और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तुरंत जानकारी दी कि उनकी मदद की जा रही है। बिहार राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और कैमूर जिले के रामगढ़ से RJD विधायक सुधाकर सिंह उनकी मदद की व्यवस्था कर रहे हैं। नेहा ने कोरोना अपनी मां पीड़ित की मदद के लिए गुहार लगाई थी। उन्होंने बताया था कि मां का इलाज कैमूर के सरकारी सदर अस्पताल में हो रहा है, लेकिन अब उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब लग रही है। उन्हें नजदीक के निजी मेडिकल कॉलेज में ले जाने की सलाह मिल रही है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वह इलाज करा सकें। कुमार विश्वास ने मदद के लिए तेजस्वी और नीतीश कुमार को टैग किया। जाने माने कवि कुमार विश्वास ने नेहा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टैग किया और उनकी मदद करने के लिए गुहार लगाई। इनके अलावा मनोज वाजपेयी ने भी नेहा के लिए मदद मांगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मनोज वाजपेयी ने ही बिहार में ही काबा शीर्षक से एक गाना तैयार किया था। इसी के गाना गाकर नेहा ने पूरे विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तेजस्वी ने बताया उनकी पार्टी शुरू से कर रही है मदद। कुमार विश्वास को जवाब देते हुए तेजस्वी ने बताया कि उनकी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह शुरू से ही नेहा की मदद कर रहे हैं। उनकी मां को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराने में भी राजद विधायक का योगदान रहा है। अब उन्हें सासाराम के जमुहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने की व्यवस्था की जा रही है। यह जानकारी मिलने पर कुमार विश्वास ने तेजस्वी को आभार जताया और नेहा की माँ को जल्द ठीक होने के लिए ईश्वर से कामना भी की है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.